हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्साप। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम बात करेंगे कि कुछ हमारे जो टूल्स हैं उसके बारे में, और देखेंगे कि कैसे हम जो स्टॉक्स हैं उनके टॉप एंड बॉटम को हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जहाँ पर कोई स्टॉक जो एक बॉटम लेवल पर आता है और वहाँ से मुझे स्टॉक को बाय कर सकता हूँ, उसके डेरिवेटिव में भी ट्रेड ले सकता हूँ, या फिर मुझे अगर उसका टॉप पकड़ना है जहाँ से उसको मैं सेल कर सकता हूँ, मैं वो भी आप सिनेरियो आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगा RPG के बारे में, रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ, जिसके अंदर मैं देखूँगा कि किस तरीके से मुझे वो जो स्टॉक है उसका टॉप एंड बॉटम मुझे पता हो सकता है। ठीक है, तो जनरली आप देखोगे जो स्टॉक होता है उसका टॉप एंड बॉटम हम रेजिस्टेंस से पकड़ते हैं। ठीक है, एक हमारा रेजिस्टेंस हो गया और एक हमारा सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो कई बार आप देखोगे कि स्टॉक इस तरीके से रेजिस्टेंस पर आता है, नीचे आता है, और इसी तरीके से कोई स्टॉक यहाँ सपोर्ट पर आता है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस या हमने सपोर्ट यहाँ पर देख लिया, लेकिन हम उसमें ट्रेड हमें लेना चाहिए कि नहीं, तो वो हमें डेटा के हिसाब से मालूम पड़ता है। तो RP जो टूल है वो सिर्फ टेक्निकल से नहीं, उसमें आप देखोगे ज़्यादातर पूरा डेटा यूज़ होता है, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि यहाँ पर एक बॉटम आ चुका है, यहाँ पर एक टॉप आ चुका है, तो यहाँ से जो स्टॉक है ऊपर या नीचे जाने की संभावना है, तो आप उसमें बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि RPG किस तरीके से काम करता है और हम देखेंगे कि इसमें हमारा ट्रेड कैसे बनेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में आप ट्रेडिंग में जाइए और क्वांट मॉडल में जो रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बारी बारी में हर एक क्वाड्रेंट को आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंड उसी के मुताबिक हम उसमें ट्रेड कैसे बनाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो इंटरफेस है, यहाँ पर आपको चार क्वाड्रेंट मिलेंगे। ठीक है, एक मिलेगा आपको यहाँ पर प्रोग्रेसिव, ठीक है, एक आपको यहाँ पर मिलेगा वीक वाला जोन, और यहीं पर आप देखोगे एक मेरा स्ट्रॉन्ग क्वाड्रेंट है और यहाँ पर एक लेगार्ड है। ठीक है, तो कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, एक एक क्वाड्रेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा कि वो स्टॉक में हम ट्रेड कैसे बनाएंगे, फिर वो आपको चार्ट पे ले जाके मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं रिस्क मैनेजमेंट करके उसमें एक ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे चार क्वाड्रेंट है, तो प्रोग्रेसिव है, तो कोई भी स्टॉक जो प्रोग्रेसिव जोन में है तो इंडिकेट करता है कि वो स्टॉक अभी बुलिश ट्रेंड में है, मतलब उसमें बुलिशनेस आई है। ठीक है, मतलब बिगिनिंग ऑफ द फेज। तो आप देखोगे कि कोई भी स्टॉक अगर प्रोग्रेसिव जोन में आता है, मतलब ये अप ट्रेंड की ओर जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसमें एक ट्रेड बनाऊंगा, तो ज़्यादातर वो प्रोग्रेसिवनेस की बात करता है। ठीक है, और सिमिलरली आप देखोगे जो स्ट्रॉन्ग क्वाड्रेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्वाड्रेंट का मतलब होता है मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो अपना मोमेंटम पकड़ चुका है। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग क्वाड्रेंट होता है ज़्यादातर आप देखोगे कि यहाँ से वहाँ तक जो मूव देता है काफ़ी अच्छा मूव देता है, उसमें कोई कुछ लोग एग्जिट भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे जो स्ट्रॉन्ग क्वाड्रेंट में आता है तो यहाँ पर होल्ड करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, मैं उसमें उस संदर्भ में बात करूंगा कि मुझे उसको कब होल्ड करना चाहिए और कब उसका एग्जिट करना चाहिए, वो भी मैं आपको उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग क्वाड्रेंट क्या बताता है कि बुलिश जो ट्रेड है, जिस स्टॉक में भी बुलिशनेस आई थी वो अपने पीक लेवल पर है, वो अपना मोमेंटम कैप्चर कर चुका है, तो ये पूरी तरीके से अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, सिमिलरली जो लेगार्ड जोन है वो इंडिकेट करता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में अभी अभी बेरिशनेस आया हुआ है। ठीक है, मतलब बेरिश जोन है, तो कोई स्टॉक लेगार्ड जोन में अगर आपको दिखता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ स्टॉक आपको दिख रहे हैं, तो कोई स्टॉक अगर लेगार्ड जोन में दिखता है तो वो इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में बेरिशनेस है। ठीक है, ये स्टॉक नीचे जा सकते हैं, तो मुझे उसमें ट्रेड बनाना चाहिए, तो मैं अपने रिस्क के हिसाब से चाहे मैं फ्यूचर को सेल करूं, नहीं तो मैं वहां पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी मैं उसमें एक ट्रेड बना सकता हूं। ध्यान रहे कि यहां पर जितने भी आपको ट्रेड मिलेंगे वो आपके पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, इंट्राडे के लिए नहीं है। कई बार आपको इंट्राडे में भी वो मूव मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर आप देखें कि ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ही है। ठीक है, और उसके बाद आपका चौथा आता है वीक जोन। ठीक है, वीक जोन इंडिकेट करता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये काफ़ी वीक है। ठीक है, काफ़ी वीक है, तो ये इसका बेरिशनेस का मोमेंटम है। ठीक है, बेरिशनेस का मोमेंटम है, मतलब ये स्टॉक फर्दर डाउन साइड जा सकता है। ठीक है, इसको यहाँ पर अगर मान लीजिए शॉर्ट करके अगर किसी ने पोजीशन बनाया है तो वहाँ पर वो अपने पोजीशन को होल्ड कर सकता है
और नीचे अगर जाएगा तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो हमने देखा चारों क्वाड्रेंट के बारे में कि चारों क्वाड्रेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसके हिसाब से उसमें किस तरह का ट्रेड बनता है, ठीक है। अभी इसमें ट्रेड कैसे बनता है हम उसमें डिस्कस करते हैं। अगर कोई स्टॉक, ठीक है, कोई भी स्टॉक, ठीक है, कोई स्टॉक अगर वीक जोन में से निकल के प्रोग्रेसिव जोन में जाता है, ठीक है, अब चाहे ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड जाए या ऐसे जाए, जो भी इसमें आप देखोगे उनका मूव मिलेगा। अगर कोई भी स्टॉक वीक जोन में से निकल के प्रोग्रेसिव जोन में आ जाता है तो इंडिकेट करता है कि इसमें बुलिशनेस अभी जनरेट हुआ है, ठीक है, ये अभी अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, ठीक है। अगर वो वीक से निकल के प्रोग्रेसिव में जा रहा है तब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड यहाँ पर बनाऊँगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टॉक को या फिर फ्यूचर को मैं यहाँ पर बाय करूँगा, ठीक है, या फिर अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से जाना चाहता हूँ तो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में इंप्लीमेंट करके उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रोग्रेसिव जोन में गया तो मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया। अभी यही स्टॉक अगर प्रोग्रेसिव जोन से निकल के सीधे आता है स्ट्रांग जोन में, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रांग जोन क्या है, एक मोमेंटम आपको बताता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक का कि अभी अभी पीक लेवल पर है, वहाँ पर मोमेंटम कैच कर चुका है, ठीक है, अभी मोमेंटम में। तो यहाँ पर देखिए आप दो चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, ठीक है, अब मान लीजिए कि जो प्रॉफिट यहाँ पर कभी आपको 3-4% भी मिलता है, कभी 10% भी मिलता है, कभी कभी आप देखोगे कि ये स्टॉक यहाँ जाता है तो 10% से ज़्यादा भी देता है, ठीक है। तो कई बार आप देखोगे कि यहाँ से मोमेंट, मतलब इसने जो मोमेंटम कैप्चर किया स्ट्रांग जोन में गया, यहाँ पर आपको 4-5% रिटर्न आपको दे देता है, मतलब स्टॉक का जो प्राइस है वो 4-5% बढ़ चुका है, ठीक है। तो अगर उस रिटर्न में आप खुश हैं तो एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको होल्ड करना चाहते हो, ठीक है, होल्ड करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि एक बार चेक करोगे कि ये अपने किसी रेजिस्टेंस के पास है या नहीं, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देखोगे डेटा के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट का जो टेबल है वो ओपन करेंगे वहाँ पे और देखेंगे कि ये जो अपने रेजिस्टेंस के पास है वहाँ पे राइटर्स कितने ज़्यादा है, कॉल राइटर्स कितने ज़्यादा है, ठीक है। अगर कॉल राइटर्स वहाँ से अनवाइंडिंग करना शुरू किए, ठीक है, तो मतलब वो जो रेजिस्टेंस है वो कमज़ोर हो रहा है, ये ब्रेकआउट करके और आगे जा सकता है, ठीक है, कमज़ोर हो रहा है, ब्रेकआउट करके जा सकता है। तो उसने अगर यहाँ से यहाँ तक 4-5% रिटर्न दिया है तो वो आगे भी आपको 4-5% का रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो फर्दर फ्लो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में अगर वहाँ पे एडिशन ज़्यादा हुआ है, कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा ऐड हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ से एग्जिट कर लूँगा क्योंकि वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है, प्राइस उसको टच करके रिटर्न भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर टाटा मोटर्स का, ठीक है, रेजिस्टेंस से टच करके वापस से रिटर्न आ सकता है, तो आपका जो बाइंग प्राइस है उसी पे आ जाता है कई बार। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि आप कितना रिटर्न लेना चाहते हैं और जितना रिटर्न मिल रहा है उसमें आप खुश हैं कि नहीं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर डिसीजन बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बुलिश का ट्रेड, ठीक है। अभी बेरिश वाले ट्रेड पर आते हैं। तो कोई भी स्टॉक अगर स्ट्रांग जोन में से निकल के वो यहाँ पर लेगार्ड में आता है, ठीक है, स्ट्रांग जोन में से निकल लेगार्ड में आता है तो इंडिकेट करता है कि उसमें बैरिशनेस अभी आई है, तो मैं उसमें कोई बैरिश वाला ट्रेड बना सकता हूँ। मतलब मैं किसी स्टॉक के फ्यूचर को यहाँ पर सेल करके उसको होल्ड कर सकता हूँ, या फिर अगर ऑप्शन स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाऊँ तो मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी यहाँ पर बाय करके, ठीक है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी स्प्रेड बना के मैं उसमें होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। फर्दर यहाँ से निकल के अगर ये वीक में आता है, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रांग क्या है, बुलिश मूव का मोमेंटम है, वैसे जो वीक जोन है वो बेरिश मूव का मोमेंटम जोन है। तो यहाँ पर स्टॉक अपना मोमेंटम में है, ठीक है। अगेन यहाँ पर आप क्या चेक करेंगे कि सपोर्ट लेवल चेक करेंगे और सपोर्ट लेवल अगेन आपको ओपन इंटरेस्ट से मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर सपोर्ट लेवल जो है वहाँ पर वो आपको दिख रहा है कि वहाँ पर वीक हो रहा है, वीक जानने का मतलब वो वीक हो रहा है कि नहीं ये कैसे जानेंगे, कि वहाँ पर जो पुट राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन वाइंड अप कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो अगर वो अपनी पोजीशन वाइंड अप कर रहे हैं तो क्लियर इंडिकेशन है कि वो सपोर्ट कमज़ोर हो रहा है, फर्दर ब्रेक करेगा, मुझे फर्दर और भी परसेंटेज वो दे सकता है, और भी रिटर्न वो दे सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए
कि वहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है उस पर एडिशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो मतलब वो सपोर्ट लेवल बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से एग्जिट कर लूँगा, ठीक है। तो ये था कंडीशन कि मैं इसमें ट्रेड कैसे बनाऊँगा। आप दो ही जगह ट्रेड, फ्रेश ट्रेड बनाएंगे, प्रोग्रेसिव जोन में और लेग आउट जोन में, बाकी दो जगह आप ट्रेड नहीं बनाएंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो स्ट्रांग जोन में ठीक है ब्रेकआउट करके जा रहा है, हमें अच्छा दे सकता है, हम उसको बाय कर लें। याद रखिए कि ये जो टूल है ये बॉटम से पकड़ने में हेल्प करता है, तो बॉटम से पकड़िए, बीच मझधार में पकड़ने का ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये आरपीजी कैसे काम करता है, ठीक है। अभी इसमें स्टॉक एडिशन की बात करते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अभी इसमें देखते हैं कि स्टॉक मैं कैसे ऐड करूं, ठीक है। अभी यहां पर आपने ये आपने देखा कि एडिशन कैसे, ये स्टॉक का मोमेंटम है, नीचे जो ब्लू लाइन दिख रही है ये आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से ये स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है पिछले 20 दिन का डेटा से, राइट फ्रॉम द 31 जुलाई, ठीक है। अभी इसमें मुझे अगर कोई बास्केट क्रिएट करना है, स्टॉक को ऐड करना है, तो क्रिएट बास्केट में जाऊंगा, मैं क्रिएट बास्केट में बास्केट का नाम दूंगा, यहाँ पर स्टॉक को सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ स्टॉक को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर नेम से मैंने सेलेक्ट कर लिया। कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा, नीचे सेव बास्केट का ऑप्शन है, उसको क्लिक करूँगा, तो जो भी मैंने बास्केट बनाया वो यहाँ पर सेव हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है। अभी मैंने कुछ क्या किया, मैंने जो बास्केट है कुछ अपने मन से बनाया कि जो मतलब मेरे पसंदीदा स्टॉक्स हैं, तो मैंने जैसे हाई वोलेटाइल मैंने स्टॉक यहाँ पर बताया, ठीक है, तो ये ऑलरेडी स्टॉक यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे मोमेंटम कैप्चर करना है, तो यहाँ पर 31 से आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्टॉक यहाँ पर आया है, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर देखिए, जस्ट अ मिनट, तो ये 13 अगस्त है, ठीक है, 13 अगस्त। 14 को आप देख सकते हो कि 13 के पहले आप देख सकते हो कि REC उसमें आया था, 14 को आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस में आया हुआ है, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस में मेरा एक ट्रेड जनरेट होता है, बाकी स्टॉक ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जैसे लाइन आगे जा रही थी किस तरीके से स्टॉक ने मूव किया है। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस ने प्रोग्रेसिव जोन में आया है, तो बजाज फाइनेंस में मेरा ट्रेड बनता है, ठीक है। तो चलिए बजाज फाइनेंस में मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर एनालाइज में जाके चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड, ठीक है, तो चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड में मैं सेलेक्ट करूँगा बजाज फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जाके बजाज फाइनेंस, ओके, ठीक है। सो बजाज फाइनेंस करंटली इसका प्राइस चल रहा है 7310, इसने हाई किया था 7450, ठीक है, 450। तो अभी आपने देखा कि वो 14 तारीख को, ठीक है, 14 अगस्त को वो हमारे आप देखोगे उसमें आया था प्रोग्रेसिव जोन में, मतलब 14 को उसमें बाइंग होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं 14 तारीख को जाता हूँ, ऑलराइट। तो ये रहा 13, ये रहा 14, ठीक है। तो 14 तारीख को आप देखिए इसका प्राइस क्या था, ठीक है, ये इसका प्राइस है, ठीक है, प्राइस 6509, ठीक है, 6510। राइट नाउ ये चल रहा है 7400, ठीक है, 7300 चल रहा है, 7450 का हाई किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 900 पॉइंट का मूव इसने दिया है, 900 पॉइंट का, 7000 रुपये का स्क्रिप्ट है, 900 पॉइंट का मूव दिया है, मतलब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 12-13% का रिटर्न दिया है सिर्फ 14 दिन में। तो इसमें अगर आप कैलकुलेट करोगे बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है, ठीक है, मैं देखूँगा अभी आपको ट्रेड रिकैप में दिखाऊँगा कि कितना रिटर्न आ सकता है, तो लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मूव आया है। और इसको मैं कैप्चर करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर एरिक्स मैंने लगाया कि इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया है, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस, ओके। अभी आप टारगेट देखिए, ठीक है, देख सकते हो, ऑलराइट, यहाँ पर 7400 का मूव है, ठीक है, 7000, आप देख सकते हो कि 7004। तो यहाँ पर रिक्स रिवॉर्ड देखिए 1:11 आ रहा है, ठीक है। खैर हम उतना बड़ा कैप्चर नहीं कर सकते हैं, उतना किसी को पता नहीं होता है, लेकिन उसके हिसाब से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने बॉटम से कैसे पकड़ा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि स्टॉक कैसे किस तरीके से बॉटम पे आया
और वहीं से मेरा ट्रेड जनरेट हुआ और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा रिटर्न मुझे मिला है। तो इस तरीके से आप भी ये टूल को यूज़ करके बॉटम से किसी स्टॉक को पकड़ सकते हो, टॉप से किसी स्टॉक को पकड़ के आप उसमें शॉर्ट पोजिशन बना सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा RPG टूल। आपने देखा कि किस तरीके से मैंने स्टॉक को यहाँ पर कैप्चर किया है। ठीक है, हमने RPG वापस से एक बार जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो आपने देखा कि इसमें मैंने किस तरीके से यहाँ पर सेटअप मैंने बनाया था। ठीक है, हाई वोल्टेज टाइम, ऑल राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बास्केट कैसे बनाते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा जोन किस तरीके से काम करता है, और नीचे जो ब्लू लाइन है वो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से इसने लास्ट 20 डेज में कैसा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो आप भी ये टूल को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, अपना जो आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो उसको और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैं किसी स्टॉक को बॉटम से पकड़ सकता हूँ। ठीक है, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।